ग्राउंड फायर हुआ है और अब लगातार अपडेट मिल रहा है कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है बाबा सिद्दीकी को। देखिए बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी जो बांद्रा वेस्ट के पूर्व विधायक रह चुके हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट के बड़े नेता हैं, तमाम बॉलीवुड गलियारों में बड़ा नाम है, इफ्तारी पार्टी के लिए पूरे देश में मशहूर है। अभी कुछ देर पहले मुंबई के बांद्रा इसमें जो उनके बेटे जिसान सिद्दीकी विधानसभा एरिया है, वहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने उनके पेट में दो राउंड गोली की जो फायरिंग की, उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी मौत हो चुकी है। देखिए बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन वो दुश्मन था जो दिन दहाड़े पेट में दो गोली फायरिंग करके निकल जाता है। देखिए फिलहाल इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उनसे पूछताछ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि बाबा सिद्दीकी जो तमाम फिल्मी गलियारों हो, तमाम चाहे राजनेता, हर किसी से उनका संबंध था जब वो लंबे समय तक कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके थे। ऐसे में कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की थी, तो ऐसे में बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये फायरिंग आखिर किसने की, क्या कोई दुश्मन था, क्या कोई किसी कोई उनके साथ आपसी रंजिश था, ये कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से लगातार अब ये सवाल कटघरे में खड़ा हो रहा है कि आखिर बाबा सिद्दीकी के दुश्मन आखिर ये कौन थे जो दिन दहाड़े फायरिंग करके वहां से निकल गए। शुभम, अभी ये अपडेट सामने आ रही है कि तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कौन हो सकते हैं ये तीन लोग? देखिए बिल्कुल, तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पुलिस फिलहाल इसे डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि आखिर तीन आरोपी कौन है। तीन आरोपियों को इनके पास से जो दो पेट में गोलियां मारी गई, तो वो रिवॉल्वर जो भी मिली है वो भी पाई गई है। तो ऐसे में ये पता लगाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस द्वारा की जा रही है कि आखिर क्या इन्हें पैसे दिए गए थे, क्या इन्होंने जानबूझ कैसे किया, क्या कोई क्या वजह थी, ऐसी तमाम चीजें हैं वो जानने के लिए जो है पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों में इस तरह से जो खबर सामने आई कि एक बाबा सिद्दीकी पूर्व विधायक रह चुके हैं, बड़े कद के थे, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, तो ऐसे में उनकी मौत हो जाना इस तरीके से फायरिंग से, ये बड़ा सवाल खड़े होते हैं। क्या जो राजनेता तो छोड़िए आप, ऐसे में जो आम जनता है वो भी खुद को महफूज नहीं समझेगी। तो ऐसे में जब नेता विधायक सड़क पर खुलेआम जो है गोलियों से छन्नी करके उन्हें मौत की घाट उतारा जा रहा है, तो मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी हम कह सकते हैं कि अब बदतर होते जा रही है। ये यूपी और बिहार की जो पैटर्न हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की खबरें आती, अब मुंबई में भी इस तरह की, महाराष्ट्र में भी इस तरह की खबरें जो है सामने शुरू हो गई। बिल्कुल, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिसिंग की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र पुलिस का नाम हर बार सामने आता है, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो महाराष्ट्र का नाम सामने आता है। शुभम, अब मैं सियासत पर आ रही हूं, बाबा सिद्दीकी का किसी से कुछ सियासी लेना देना, कोई सियासी रंजिश देखने को मिल रही थी क्या बीते दिनों? देखिए बाबा सिद्दीकी पिछले हम कह सकते हैं 10 सालों से विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजनेताओं से टच में रहते हैं, बड़े बड़े पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। उनके बेटे ने हाल ही 2019 में जो है उसी ठीक बगल वाली सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर जो है विधायक बने। तो ऐसे में ये आपसी रंजिश क्या थी, क्या कौन उनका दुश्मन था, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, ये सारे सवाल जो है अब इस वक्त पुलिस के सामने पैदा हो रहे हैं। इसी बात को जानने के लिए पुलिस फिलहाल जो है छानबीन कर रही है, स्पॉट पर पहुंची, स्पॉट को देख रही है कि कहां से फायरिंग हुई, कहां से ये शूटर्स को इनको टिप मिली कि ये बाबा सिद्दीकी इस एरिया में आने वाले हैं, ऐसे कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते दिखाई दे। अब ये देखिए पुलिस इस बात को जानने की कोशिश जरूर करेगी कि बाबा सिद्दीकी की क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई पुराना दुश्मन था, या कोई पुराना फाइनेंशियल लेन देन था, या किसी और अन्य मामले को भी लेकर इसमें एंगल जोड़ा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि पुलिस जब पूछताछ करेगी तो क्या कुछ खुलकर सामने आता है। बिल्कुल, इस बीच शुभम मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्या लीलावती हॉस्पिटल जहां पर बाबा सिद्दीकी का इलाज चल रहा था और अब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, ऐसे में क्या पार्टी के कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो उनकी तरफ से क्या किसी तरह का कोई बयान अभी तक सामने आ पा रहा है क्या? देखिए इस महायुति की सरकार को 50 खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेल ही रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो, मतलब जो अपराधी है उनको कोई खौफ नहीं है? कोई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर रहा है, कोई बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को गोली मार दे रहा है, मार के घायल कर दे रहा है, पता नहीं घायल है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान करे सब सही हो। लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मन व्यथित है कि राजनीति को कितना गंदा बना दिया है महायुति वालों ने और भाजपा की गंदी नीतियों ने। तो बाबा सिद्दीकी पर तीन राउंड फायर किया गया था। शुभम जुड़े हुए हमारे साथ लगातार, शुभम अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल देखिए, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुब्रत को इन्हें कितने पैसे दिए थे, क्या इनकी कोई पुरानी रंजिश थी, सारे तमाम पहलू जो है जांच के विषय बन चुके हैं। अब देखिए, बाबा सिद्दीकी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन निशान जो जानकारी सामने है कि निशान सिद्दीकी जिनका बेटा है वो बैंड्रा ईस्ट से वहां पर विधायक है, उसी इलाके में उद्धव ठाकरे का भी घर आता है और बड़ी बड़ी बीकेसी इलाके जैसे तमाम जो बड़ी कंपनियां, तो ऐसे में वो इलाके में चुनाव प्रचार है, अपने बेटों को वापस मैदान में उतारने वाले टिकट जाने की कंफर्म बात हो चुकी थी, वो वहां पर जो है गए थे और उनके भेड़वाड़ी सिग्नल जो है मुंबई का, उसी सिग्नल पर उनके ऊपर ये फायरिंग की गई है। देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि आखिर किसने उनको टिप दी, आखिर उनके आने की यहाँ की सूचना उसे उन्हें किने दी गई, ये कई सारे सवाल जो इस वक्त खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह से किस एंगल को जांच को पहलू पाकर यहाँ पर कोशिश करती है। देखिए, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो घटना घटी है वाकई में पूरे राजनीतिक गलियारों में, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ही एक हम कह सकते हैं चिंता का विषय है। देखिए, इस तरह की घटनाएं जब अरुण गवली मुंबई शहर में डी कंपनी का गैंग हुआ करता था, उस पर विधायक को सरेआम गोली मार दे, लेकिन कई सालों तक ये बंद था। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना की जाती, पूरे भारत भर की बात करें तो मुंबई पुलिस की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसे में मुंबई पुलिस के नाक के नीचे किस तरह से विधायक पूर्व विधायक को मारने, बड़े सीनियर को गोली से मार करा देना, ये कहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। विपक्ष को आप यहाँ पर सरकार से सवाल खड़े करें, गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से सवाल खड़े करें कि कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह से घटने चाहे एक्टर हो चाहे विधायक हो उनके घर पर इस तरह से फायरिंग होने, ये कहीं ना कहीं अब जनता के अंदर जो है एक भय का माहौल जो है वो उत्पन्न हो गया है। बिल्कुल, इस दौरान अभी शुभम हम एक सियासतदान की का बयान भी सुन रहे थे, वो साफ तौर पर किसी व्यक्ति का नाम लेते हुए कह रहे थे अब तुमसे जीता नहीं जा रहा है तो तुम गोली चलवाने लग गए, किसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्या वाकई में बाबा सिद्दीकी की किसी से कोई रंजिश रही होगी क्या? देखिए, जो बयान अभी कुछ देर पहले आनंद दुबे आए हैं वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पे विपक्ष में बैठे हैं, तो साथ ही सत्ता पक्ष पार्टी को सवाल खड़ा ना करा उनका मौलिक अधिकार है। तो ऐसे में देखिए, ये आप यहाँ पर किसको टारगेट कर रहे हैं वो तो वही जाने, किसके ऊपर ऑब्जेक्शन दे रहे हैं ये तो वही जाने विदाउट एविडेंस, लेकिन जिस तरह से एनसी महायुति की सरकार है, एनसीपी अजित पवार गुट के नेता है, तो ऐसे में आप उन्हीं पे सवाल दाग रहे हैं कि आप उनको मरवा रहे हैं, ये बड़ा सवाल कहां से वो कैसे कर रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन ये बड़ा जिस तरह से हम कह सकते हैं चुनावी दांव पेच में विधानसभा चुनाव से पहले वो उनकी जो अंदर एक ख्वाहिश थी एक बार वो राज्यसभा के सांसद जरूर बने, लेकिन उस वक्त दाल जो है गल नहीं पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे और उसी की चुनाव प्रचार की तैयारी में जुटे थे, लेकिन इस तरह से शूटरों से द्वारा हमला करना, 3-2 गोलियां उनके पेट में जाना, 3 शूटर, ये देखिए अब ये समझ के बाहर है कि आखिर किसने उनकी टीम थी, वो कहाँ किस लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, कैसे उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली शूटर्स को, ये कई सारे सवाल जो है इस वक्त खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे ये रहस्य भी चला जाएगा कि आखिर उन्हें उनके पीछे मारने की वजह या जो शूटर्स हैं वो उन्हें किसने पैसे दिए थे, क्या टिप दिए गए थे, क्या कोई पुरानी रंजिश थे, ये तो वही बता पाएंगे। बिल्कुल शुभम, इस बीच देखिए आपने जिक्र लगातार किया है कि बाबा सिद्दीकी की जो दोस्ती है, जो करीबी कुछ लोगों में अभिनेता भी रहे, नेता भी रहे, तो ऐसे में क्या लीलापति हॉस्पिटल के बाहर अब सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होनी शुरू हो चुकी है, क्या लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है क्या, जैसे जैसे ये मैसेज फ्लोट हो रहा है? बिल्कुल देखिए, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जब ईद का वक्त आता है तो इफ्तारी पार्टी का, तो इफ्तारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी चाहे सलमान हो चाहे शाहरुख हो, हर कोई उस इफ्तारी पार्टी में जो आता है और अपनी मौजूदगी जो है दर्ज कराता है। तो ऐसे में तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, कांग्रेस के इतने सालों से नेता रहे, कांग्रेस के कई बड़े नेता है, एनसीपी के बड़े नेता है, चाहे जो भी, देखिए आप मौत के बाद में यहाँ पर आपसी पुरानी रंजिश कुछ नहीं देखा जाता है, इस वक्त इंसानियत देखी जाती है। तो ऐसे में तमाम सिक्योरिटी जो है मुंबई पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है और तमाम कुछ जानकारी मिलने की, तमाम बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख सलमान, जो जानकारी मिलने की शायद सलमान खान मुंबई में ही है, वो अब से कुछ देर बाद बैंड्रा जो लीलावती अस्पताल है ठीक उनके दूरी पे सलमान खान शाहरुख खान का भी घर, वो वहां पर पहुंचना शुरू होने वाले हैं। अजित पवार जो है महाराष्ट्र के दौरे पर है, लेकिन आप देखना होगा कि किस तरह से पार्टी के अन्य लोग, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि महायुति की सरकार है, महायुति की पार्टी में जो है नेता थे, वो किस तरह से पहुंचना शुरू हो करेंगे, ये सबसे